नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के फैसलों और निर्देशों की तारीफ तो हम सब ने कई बार की है, लेकिन इस वीडियो में जस्टिस चंद्रचूड़ से कुछ सवाल ये कि क्या जस्टिस चंद्रचूड़ ने मणिपुर के मामले में दखल देने में देर की? क्या सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर के मामले में पहले ही मोदी सरकार को टाइट करना चाहिए था? क्या जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी अदालत में याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अगर सख्ती दिखाई होती तो मोदी सरकार पहले ही एक्शन में आती? क्या जस्टिस चंद्रचूड़ ने मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई के वक्त मामले की गंभीरता को समझने में देर की? ऐसे कई सवाल कई दिनों से उठ रहे हैं। कुछ सीनियर एडवोकेट और रिटायर्ड जजेज भी ये सवाल उठा रहे हैं। एक जज से हमने भी बात की है, इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे। और ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से मणिपुर में दरिंदगी की शिकार हुई महिलाओं के वीडियो ने पूरे देश की आत्मा को चोटिल कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि मणिपुर की उन कूकी महिलाओं का वीडियो वायरल न हुआ होता, या कहें वायरल होने का ही नतीजा था कि 3 दिन पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार को फटकार लगाई। CJI के तेवर से सरकार को सख्त संदेश जरूर गया है, लेकिन यह संदेश देने में चीफ जस्टिस ने देर की, या ये फिर मान लें कि देर आए दुरुस्त आए, या ये मान लें कि सुप्रीम कोर्ट को तब दखल नहीं देना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट में मई और जून में याचिकाओं पर सुनवाई थी हिंसा के तुरंत बाद। हम जैसे हजारों लाखों लोगों को इस दौर में अगर किसी संस्था से उम्मीद है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत से ही है। गुहार भी वहीं लगा सकते हैं, शिकायत भी सुप्रीम कोर्ट से ही कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में जब मोदी की सत्ता के सामने तमाम संस्थाएं नतमस्तक हो गई हैं, सरेंडर कर चुकी हैं, अपने कर्तव्य बोध को भूल चुकी हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर तेवर के साथ सरकार को कायदे कानून का दायरा समझाया, नसीहत दी है, फैसले और निर्देश दिए हैं, चाहे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पैनल बनाने का फैसला हो, या फिर 3 बार एक्सटेंशन पाने वाले मोदी के प्रिय ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को जबरन रुखसत करने का फैसला हो। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है इन सब के बाद भी कि मणिपुर के मामले में मई में दायर याचिका पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सरकार को सख्त निर्देश दिए होते तो शायद स्थिति आज से बेहतर होती, या पहले कुछ नियंत्रण में होती। जब कहा जा रहा था कि वहां हिंसा हो रही है, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो सवाल यही, क्या आपने सरकार को फटकार लगाने में इतनी देर क्यों की माय लॉर्ड? यह सवाल तो वाजिब है कि चीफ जस्टिस ने केंद्र और राज्य सरकार को पहले ही सख्त निर्देश क्यों नहीं दिए, तब जब मई और जून में ही सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस मणिपुर में 70 आदिवासियों की हत्या का जिक्र करते हुए सरकार की नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, तब जब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने इसे कानून और व्यवस्था का मामला बताकर सुप्रीम कोर्ट को दखल न देने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, मशहूर एडवोकेट जो बहुत मुखर होते हैं बहुत सारे मुद्दों पर, अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर तमाम मुद्दों पर, मौलिक अधिकारों को लेकर, दुष्यंत दवे ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था परसों या कल ही शायद उस लेख में उन्होंने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी मोर प्रोएक्टिव इन एड्रेसिंग सिचुएशन इन मणिपुर। मतलब सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर के मामले में ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए। दुष्यंत दवे ने सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस की तरफ से जो 6 मई को PIL दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई की कुछ तारीखें पड़ी भी, कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा भी गया समय समय पर, उसका जिक्र करते हुए दुष्यंत दवे ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तभी एक्शन लिया होता तो स्थिति बेहतर होती। दुष्यंत दवे ने कई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी या अनिर्णय की स्थिति का हवाला भी दिया है और अपील भी की है
कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट सही ढंग से सही वक्त पर एक्ट करे। दुष्यंत दवे ने संविधान के आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को नसीहत भी दी है कि देश के हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट को हर वक्त सजग रहना चाहिए। और दुष्यंत दवे का यह कहना मायने रखता है। कई चैनलों में काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट और अदालती प्रक्रिया को लंबे समय से कवर करने वाली एक रिपोर्टर हैं, एंकर हैं नीलू व्यास, उनसे हमने कहा था कि इस मुद्दे पर आप किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस से इलाहाबाद हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करिए। दुष्यंत दवे से भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन व्यस्तता की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। तो नीलू व्यास ने जस्टिस गोविंद माथुर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और दूसरे हाई कोर्ट में भी जस्टिस रहे उनसे बात की इसी मुद्दे पर। तो जरा सुनिए कि नीलू व्यास से इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं नीलू व्यास। और एक ऐसे मुद्दे पर आज बात करनी है जिसको लेकर बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मामले में देर की, क्योंकि ऐसे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं कि जब 6 मई को जब पिटीशन फाइल की गई थी तो उसी समय अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से और राज्य सरकार को कुछ कड़ा निर्देश दे देता तो हो सकता है कि बहुत सारी जानें बच जाती। अगर स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, पता नहीं कितने तो घायल हो चुके हैं और अभी भी जो मौत का तांडव है वो चल रहा है। तो क्या कोर्ट्स ने देरी की, क्या प्रशासन से क्या गलतियां हुई हैं और आगे कैसे और सुधार हो सकता है, इसी सब को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस गोविंद माथुर इस समय हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम के इस प्लेटफॉर्म पर। और सर, जो मेरा पहला सवाल है वो यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने देर कर दी चीजों के संज्ञान को लेकर। और मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि अभी 3 या 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेकर और एक सख्त निर्देश दिया है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, लेकिन क्या इसमें देर हुई सर? देखिए, इसके लिए हम अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो बुनियाद में सबसे पहले मणिपुर उच्च न्यायालय का एक फैसला है जो मार्च माह के अंतिम सप्ताह में आया था और उस जजमेंट के होते ही जातीय हिंसा शुरू हो गई थी। उसके बाद में छह मई को कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो गई थी और उसी पिटीशन की बहस होते हुए 18 मई को वो पिटीशन के अंदर जब कई तथ्य सामने लाए गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का उस वक्त यह व्यू था कि चूंकि जो फैसला मणिपुर उच्च न्यायालय ने दिया है वो वहां पे खंडपीठ में डिवीजन बेंच में ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका है, इसलिए उन्होंने इसके अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप से उन्होंने मना किया। लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि वो रिट पिटीशन केवल उस जजमेंट को चैलेंज करते हुए नहीं थी अपितु वो इस बात के लिए थी कि मणिपुर में जातीय हिंसा को रोका जाए और उसके लिए इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाने के लिए सरकार को आदेश दिए जाए, इसलिए ये आवश्यक था कि उस वक्त उसको पूरी गंभीरता के साथ देखा जाता, उसके ऊपर कोई कोई आदेश दिए जाते, क्योंकि जैसा कि अखबारों के अंदर रिपोर्टिंग हुई है उसके आधार पर जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसमें पिटिशनर्स की ओर से गोंजाल्विस साहब जो सीनियर एडवोकेट अपीयर हो रहे थे उन्होंने यह पॉइंट आउट किया था कि जातीय हिंसा बड़े व्यापक स्तर पे हो रही है, काफी लोगों की हत्या की जा चुकी है, घर जलाए जा चुके हैं। और इन सब के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही थी कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर स्वयं बहुत प्रोवोकेटिंग ट्वीट्स पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें अपलोड कर रहे हैं और ऐसी स्थिति के अंदर ये आवश्यक है कि कोई दखलंदाजी इसके अंदर न्यायिक जुडिशियल फोरम से की जाए। मेरे को लगता है कि वो राइट टाइम था 18 मई जबकि कोई स्टेप्स उस वक्त उठाए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त भी कहा जा रहा है कि लगभग 60 जने मारे जा चुके थे, लेकिन न जाने। अब ये मैटर जब आया था कोर्ट में, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में जब पहले दिन इस रिट पिटीशन की सुनवाई हो रही थी उस समय 12 या 13 कुकी समुदाय के जो लोग थे वो मारे गए थे,
उस समय तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है उन्होंने कोर्ट से ये कहा, जब ये पिटिशन मई में आई थी उन्होंने ये कहा कि देखिए चीजें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठा रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा चीजों को प्रोवोकेटिवली नहीं देखना चाहिए, ये बात तुषार मेहता ने कही थी। अब जो मेरा आपसे सवाल है कि उस समय कोर्ट तुषार मेहता के कहने में आ गया, क्या तुषार मेहता ने कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश की, क्या आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब चीजें अनफोल्ड हो रही हैं तो क्या कहेंगे, क्या उन्होंने कोर्ट को मिसलीड किया, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं से नॉर्मलसी का एक अंश भी मणिपुर में नजर आ रहा है। देखिए सॉलिसिटर जनरल ने जो भी स्टेटमेंट कोर्ट में दिया उन्होंने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे दिया जो उनको मणिपुर गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, इसलिए अगर मिसलीड किसी ने किया है तो वो मिसलीड करने वाली स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जिन्होंने कि ये फैक्ट्स उनको बताए। लेकिन जैसी भी स्थिति हो उस वक्त जब ये सामने आ चुका था कि जातीय हिंसा व्यापक स्तर के ऊपर हो रही है तो मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, हाँ सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मामलों में दखल देने के अंदर बहुत अपने आप पे रेस्ट्रेंट रखना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मामलों को एकदम खुला छोड़ दिया जाए। यह एक उचित समय था क्योंकि आप उसको शायद आपको शायद ध्यान होगा। हाँ नहीं, बट जस्टिस माथुर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा लीवे दे दिया और अगर वो थोड़ा सा उसी समय सख्त हो जाते तो चीजें इस मुकाम पर नहीं पहुंचती? अगर वो उस समय भी ह्यूमन राइट्स कमीशन को, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को और सेंट्रल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, विमेन कमीशन को और इन एजेंसीज को कोई डायरेक्शन देते कि वो वहां के फैक्ट्स के बारे में पूरा पता करें या कोई कमेटी इस तरह की अपॉइंट करते जो कि वो वहां के ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वहां धरातल पे क्या हो रहा है, ये सब कुछ पता करने के लिए कोई आदेश करते, तो मेरा मानना है कि एक जुडिशियल ऑर्डर का बहुत इफेक्ट होता है और उससे जातीय हिंसा रोकने के अंदर काफी मदद सरकार को भी मिलती। लेकिन शायद उनको यह मिसलीड किया स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपको ध्यान हो कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया था कि जो ऑर्डर सिंगल बेंच ने दिया है वो पूरी तरह से वैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस स्तर तक कहा कि अगर हाईकोर्ट संविधान के प्रावधानों को नहीं समझ पा रहा है या नहीं मान रहा है तो यह एक गंभीर विषय है। लेकिन जस्टिस माथुर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, जब कॉलिन गोंसाल्विस जो पिटिशनर है मणिपुर के तरफ से, जब उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड इतनी सारी वहां पे ऑलरेडी जाने चली गई हैं, जब उन्होंने अपने पूरे पिटिशन की बातें सब सामने रखी तो उस समय कोर्ट ने कहा कि ये उनके एंड पर ठीक नहीं होगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लें, यानी कि कोर्ट उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहा था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेजिटेट किया और ये हेजिटेशन सुप्रीम कोर्ट का आज महंगा पड़ रहा है देश को, खासकर मणिपुर को? देखिए लॉ एंड ऑर्डर को संभालना एग्जीक्यूटिव का काम है, न्यायपालिका का काम नहीं। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जब बहुत व्यापक रूप से हमला होने लगता है, जब आपकी रूल ऑफ लॉ खतरे में होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़कर आना चाहिए। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त शायद सॉलिसिटर जनरल के स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपने आप को रेस्ट्रेन किया, लेकिन फिर भी अगर जरा से एक छोटे निर्देश भी दिए होते और मानवाधिकार आयोग के जरिए या महिला आयोग के जरिए किसी प्रकार की जांच कराई होती तो शायद सारे हालात थोड़े डिफरेंट होते। यानी कि सॉलिसिटर जनरल के कहने में सुप्रीम कोर्ट आ गया और वो असेस नहीं कर पाया कि सिचुएशन इतनी बुरी तरह से खराब हो जाएगी। मैं फिर यही कहूंगा कि सॉलिसिटर जनरल के लिए यह कि कहने की जगह अगर हम ये कहें कि मणिपुर सरकार के जो वक्तव्य थे, जो उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट दिया गया था, वह स्टेटमेंट सही तथ्यों के ऊपर नहीं था, हालात खराब थे, हालात बिगड़ते जा रहे थे, और मेरे को लगता है कि शायद उसके पीछे वहां की जो सारी स्थितियां हैं, क्योंकि इस सारे के अंदर आपको देखना होगा कि चीफ मिनिस्टर का रोल देखें कि अगर वो चीफ मिनिस्टर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर एक त्याग पत्र देने जाते हैं, कुछ लोग त्याग पत्र फाड़ देते हैं और वो इतने हेल्पलेस हो जाते हैं कि वो कहते हैं कुछ लोगों ने चूंकि त्याग पत्र फाड़ दिया इसलिए मैं त्याग पत्र नहीं दे रहा हूं। मुझे लगता है कि सारी स्थितियों को जिस ढंग से सरकार ने टैकल किया वो इनको
बढ़ाने के लिए थी, वो सारी स्थितियां संभालने के लिए तैयार नहीं थी, और न्यायपालिका इन स्थितियों को शायद समझने के अंदर, इनका आकलन करने के अंदर कहीं चूक गई। लेकिन सर आप ये तो मानेंगे कि कोर्ट ने भी संज्ञान तब लिया जब एक भयानक दो औरतों का जो नग्न अवस्था में जिनको परेड कराया गया वो वीडियो जब सामने आया है उसके बाद कोर्ट की आंखें खुली हैं। लेकिन कोर्ट से इस तरीके की देरी क्यों हो रही है? मैं सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एंटायर फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही हूँ, ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हूँ। जब माइनॉरिटीज के घर जलाए जाते हैं, जब इस तरीके से जो एक मेजोरिटेरियन मॉब है जिस तरीके से अटैक करता है, उस समय भी कोर्ट का एक साइलेंस हमेशा देखा जाता है, ऐसा क्यों है सर? और आज ये सवाल हम क्यों ना पूछे कि कहीं ना कहीं कोर्ट से चूक हो रही है, और आज जो हाईएस्ट कोर्ट है उससे भी ऐसा लगता है कि चूक हुई है, क्या आप इस चीज से मानते हैं? देखिए, हमें एक बात भी अच्छी तरह समझ लेनी होगी कि डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी की भी अपनी एक लिमिटेशन है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स को देखते हुए हमें कहां और किस स्थिति के अंदर न्यायपालिका को दखल देना है यह तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस सारे मामले के अंदर जब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पहले यह कहा गया कि स्थितियां सकारात्मक हो रही हैं, तो शायद न्यायपालिका को यह लगा हो कि इसके अंदर इस स्टेज पे हमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन 18 मई और उसके बाद 10 जुलाई को भी, 10 जुलाई को जब मैटर के अंदर एक बार फिर से ये पुरजोर ये कहा गया कि ये सारा का सारा इशू केवल लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये एक ऐसा जातीय हिंसा हो रही है, एक ऐसा संकट है जिससे निपटने के लिए न्यायपालिका का दखल दिया ना जाना आवश्यक है। लेकिन मैं स्वयं इस चीज को समझने में असमर्थ हूं कि वो क्या परिस्थितियां रही जिससे कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज का आकलन करने के अंदर असमर्थ हुई कि मणिपुर में क्या हो रहा है। जहां तक और सारे मैटर्स का सवाल है, फंडामेंटल राइट्स की कई जगह जो वायोलेशन का आपने अभी बताया, हर मैटर के अंदर श्यो मोटो कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती। ये जितनी जिम्मेदारी कोर्ट्स की है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की है, उतनी ही राजनीतिक दलों की भी है, एनजीओ की भी है, और वो सारे बुद्धिजीवियों की और जागृत व्यक्तियों की भी है कि इन इश्यूज को कोर्ट्स के सामने पूरी मुस्तैदी के साथ और पुरजोर शक्ति के साथ इनको उठाए जिससे कि कोर्ट्स इन फैक्ट्स को अच्छी तरह समझ सके और इन मैटर्स के अंदर आवश्यक दखल दे सके। बट जस्टिस माथुर, जब ये वीडियो सामने आया, जब दो औरतों का जो ये वीडियो सामने जब आया, उसके बाद आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री भी मीडिया से बात करने लगे, स्मृति ईरानी ने भी चुप्पी तोड़ दी, प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ दी, यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग ने बात की, उसके बाद NCW ने बात किया, ये सारे लोग कोई संज्ञान नहीं ले रहे थे और इन सबके नॉलेज में ये बात थी। और देखिए, ये सब इनके नॉलेज में जी, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे तथ्य सरकार के और सरकार के नुमाइंदों की जानकारी में ना हो। देखिए, भारत के गृह मंत्री 4 दिन के लिए मणिपुर में विराजे हुए थे, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 मेंबर्स की कमेटी भी बनाई, लेकिन इसके बाद भी जातीय हिंसा व्यापक रूप के अंदर होती रही, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। या तो हम यह माने कि सारी गवर्नमेंट की एजेंसी इतनी पंगु हो गई थी कि वो किसी तरह के इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं थी, अगर ऐसी स्थिति तो इसे थी तो यह कहा जाएगा कि एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था कि गवर्नमेंट की एजेंसी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं मान रही थी, उनको सही सूचना नहीं दे रही थी, या फिर सारी जानकारी होते हुए भी सही सूचनाएं न तो सरकार ने जनता के सामने रखी, ना ही न्यायिक पटल पे रखी, और ऐसी स्थिति के अंदर वहां पे जातीय हिंसा निरंतर बढ़ती रही, जो बहुत गंभीर विषय है। मुझे इस बात में वाकई आश्चर्य है कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी भी बहुत देर से बोले, स्मृति ईरानी जी भी बहुत देर से बोली, गृह मंत्री जी पहले गए लेकिन किसी प्रकार का कोई उनके जाने का वहां प्रभाव नहीं हुआ। यह एक विकट स्थिति है। मेरे को समझ में नहीं आता कि हम बात बात के अंदर बोलते हैं, हमारी सरकार कई विषयों के ऊपर आगे जाकर के बोलती है, इस मुद्दे पर इतने लंबे समय तक चुप्पी रखना, अगर ये मेरी समझ के अंदर ये बिल्कुल नहीं आया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि सर, अब 28 जुलाई को फिर से अगली हियरिंग है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी है, ये कहते हुए कि उन्होंने कुछ कड़ी कार्रवाई की है, कड़ी कार्रवाई के नाम पर क्या करेगी सरकार?
अभी जो हालात हैं उसमें हम लोगों ने जो अभी पिछले 2 या 3 दिनों में देखा है कि कुछ 6 या 7 अरेस्ट हुए हैं, जो मेन अक्यूज था उसके घर को परसों जला दिया गया था। अब ऐसा कौन सी रिपोर्ट राज्य सरकार या केंद्र सरकार मिलकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि देखिए मणिपुर नॉर्मल हो गया है या मणिपुर नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न कर रहा है? क्या ये चीज इतनी आसान है? और अगर वो रिपोर्ट ऐसी होगी जिसमें कि लोगों को विश्वास नहीं होगा तो वो क्या रिपोर्ट होगी? वो तो एक विशी-वाशी रिपोर्ट होगी जो कि फाइल होगी। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि आज की तारीख के अंदर बगैर इंटरनेट के मणिपुर पिछले लंबे समय से बगैर इंटरनेट सुविधा के बैठा है। वहां पे किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन, वहां से सही इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ये स्थिति खुद इस बात की द्योतक है कि हालात वहां पर बहुत विकट है। न्यायपालिका को भी इस बात को पूछना चाहिए कि इंटरनेट, जो कि आज निश्चित रूप से हमारे फंडामेंटल राइट है, वहां पे इंटरनेट सुविधा होना हमारा राइट टू एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा स्रोत है, अगर वो बंद है तो इतने लंबे समय से उसे बंद रखा गया है, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि आप पत्रकारों को नहीं जाने देना चाहते, आप वहां पे विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने देना चाहते, आप इंटरनेट सुविधा शुरू नहीं करना चाहते? तो सरकार को इसके साथ आना होगा कि हम ये सारी सुविधाएं रेस्टोर करके वहां पे आम आदमी के प्रवेश की स्थिति बना रहे हैं और वह एक निश्चित समय जो जल्दी से जल्दी हो उसमें कर दिया जाएगा। दूसरा, सरकार को यह बहुत अच्छी तरह कहना पड़ेगा कि होम मिनिस्टर के जाने के बाद में, एक कमेटी बना देने के बाद में भी अगर 3 महीने 2 महीने तक हालात में सुधार नहीं होता है तो क्या वो परिस्थितियां हैं कि क्या वहां की राज्य सरकार केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो ये एक ऐसा संवैधानिक संकट है जिसमें केंद्र सरकार 356 या 365 सारी परिस्थितियों का आकलन करके धारा अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365 में कार्रवाई करे। सर, जो 356 की आपने बात की, क्या CJI जब ऑर्डर देंगे तो बहुत अनथिंकेबल सा लगता है, लेकिन क्या एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए क्या 356 को बहाल किया जा सकता है? ये जानते हुए कि देखिए ना, वहां की जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे पास तो सब जानकारी थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब स्थिति में था, किसी ने सुनी नहीं, ये एक बयान राज्यपाल का भी 2-3 दिन पहले आया था। उसके बाद ये जानते हुए कोर्ट की मुख्यमंत्री जो वहां के हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया और चीजों को होने दिया, ही अलाउड द थिंग्स टू डिटेरियोरेट, ये एक मैसेज अभी तक जाता है। तो अब ऐसे में क्या CJI वो किस तरीके का निर्देश दे सकते हैं? क्या वो एक ऐसा निर्देश देंगे जिसमें कि कहा जाए कि भाई प्रेसिडेंट रूल को बहाल किया जाए, इस तरीके का क्या ऑर्डर दे सकते हैं CJI? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर, एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ये कोई स्वस्थ परंपरा होगी कि न्यायपालिका इस बात का आदेश दे कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। हाँ, अगर किसी प्रकार की सारे हालात को देखते हुए अगर वहां के राज्यपाल की कोई रिकमेंडेशन आई हो या उनको ये लगता हो कि वहां किसी प्रकार के संवैधानिक संकट की स्थिति है तो वो गवर्नमेंट को इस बात के लिए निर्देश दे सकते हैं कि वो सारी स्थितियों को ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन करे और जो भी संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं उनका उपयोग करे, इंक्लूडिंग 356 एज वेल एज 365। आपने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात किया, लेकिन मुझे तो ऑब्जेक्टिविटी किस एंगल से बनेगी वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी एक्टिविस्ट से मैं लगातार वहां पर टच में हूं उनका ये कहना है कि जब तक कोई न्यूट्रल बॉडी की बहाली नहीं होती है, जैसे कि ट्रूथ एंड रिहैबिलिटेशन कमीशन जैसी चीज, या मे बी समबडी लाइक डेज़मंड टूटू अगर वो आ जाए और इस तरीके से अगर वहां पर कुछ मध्यस्थता कोई करे, तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि इतना ज्यादा अविश्वास हो गया है कम्युनिटीज के बीच में कि कैसे ये चीज बहाल होगी, क्योंकि ये जानते हुए कि जो आपकी प्रशासनिक सेवाएं हैं वो बिल्कुल ठप है, किसी के पास उनके ऊपर विश्वास नहीं है, तो ऐसे में जो पहल है वो कैसे ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं पूछ रही हूँ। मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को, हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन को, हमारे रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी बॉडीज हैं उनको, विमेन राइट्स कमीशन को, विमेन कमीशन को, इन सबको पूरी तरह से ऊर्जा से भरना होगा, एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि अभी ये सारे कमीशन्स मेरे को लगता है कि एक स्लंबर की स्थिति के अंदर है, सोए हैं, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं जब तक कि न्यायपालिका इनको न कहे या बिल्कुल मीडिया के जरिए ही इनके ऊपर ही लांछन ना आने लगे। ये एक उचित समय है जबकि हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन को और
महिला आयोग को इनको पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाए और वो वहां जाकर के सक्रिय रूप से इन सारी रिपोर्ट्स दे, साथ साथ केंद्र सरकार को भी वहां पे अपने आवश्यक कदम उठाने होंगे और स्टेट गवर्नमेंट को विवश करना होगा कि वो वहां पर अपना स्वयं का कोई जातीय स्वरूप बनाने की जगह एक राज्य का एक निष्पक्ष स्वरूप बनाए और मैतेई हो या कुकीज हो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करते हुए वहां पर हालात को नॉर्मल बनाने का प्रयत्न करें। और अगर राज्य सरकार ऐसा करने में असफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन लगाने में केंद्र सरकार को हिचक नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा इश्यू है, ये हमारी सॉवरनिटी, हमारी इंटीग्रिटी का इश्यू है। आपको ध्यान होगा कि कल ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस इश्यू को उठाया गया। अगर इन सब मामलों को दुनिया के स्तर पर इस तरह उठाया जाने लगा तो ये एक बहुत ही संकट की और एक बहुत ही विषम स्थिति होगी। लेकिन जस्टिस माथुर, मुझे ये बताइए कि अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर थे तो वहां पर इंटरनेशनल प्रेस ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री फ्रांस गए, फ्रांस में भी ये मैटर उठाया वहां के सारे अखबारों ने। लेकिन ऐसी सारी रिपोर्ट्स को जब एक ऐसी सरकार है जो ऐसी रिपोर्ट्स को डिसमिस कर देती है तो आप ऐसे में कैसे विश्वास करेंगे? और आज जो मणिपुर की जनता है, मैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि मणिपुर की जनता को आज कैसे विश्वास होगा? उसको तो सिर्फ कोर्ट्स का ही सहारा है, उसको ये पता है कि वहां की जो सरकार है वो उसके साथ नहीं है, जितनी भी कमीशंस हैं वो उसके साथ नहीं है, चाहे वो महिला आयोग हो चाहे मानवाधिकार आयोग हो, कोई भी उसके साथ नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए लोगों का विश्वास जीतने के लिए, ये जानते हुए कि वहां की सरकार कुछ नहीं करेगी? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका, कोई भी कोर्ट, जिसे कहते हैं कि द कोर्ट्स आर नाइदर हेल्पलेस नॉर हेल्पलेस, उनके पास पूरी शक्ति है, पूरी क्षमता है। ऐसी स्थिति के अंदर न्यायपालिका उचित आदेश कर सकती है, लेकिन आज क्या आदेश करेगी यह सोचने का काम जिन कोर्ट्स में यह मैटर पेंडिंग है उनका है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि इन सारी परिस्थितियों के अंदर बहुत ठोस कदम कोर्ट्स उठा सकती है और कोर्ट्स सरकार को विवश कर सकती है, मजबूर कर सकती है कि वो वहां पर निष्पक्ष और वस्तुगत ऑब्जेक्टिव स्टेप्स वहां पर उठाए और वहां की नॉर्मलिसी लाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए एक मजबूत वेपन है, वो ये सारी चीजें संभाल सकता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट्स को किसी हिडन एजेंडा के साथ नहीं जाना चाहिए, हमेशा किसी खुली चीज को लेकर के अगर जाया जाएगा, सरकार को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के अंदर अगर न्यायपालिका किसी प्रकार का सपोर्ट कर सकती है अपने ऑर्डर से तो उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए। जस्टिस माथुर, एक बहुत जो अनफॉर्चुनेट चीज देखने को मिलती है कि जब चंद्रचूड़ साहब जो सीजेआई हैं उन्होंने एक सख्त हिदायत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिया तो चंद्रचूड़ जी की जमकर ट्रोलिंग होती है और जो राइट विंग ट्रोल आर्मी है वो जमकर ट्रोल करती है कि देखिए वो तो केवल और केवल मणिपुर की बातें करते हैं और बाकी राज्यों की बात ही नहीं करते। अब इसे क्या मानेंगे? ये क्या दबाव डालने की कोशिश है चंद्रचूड़ जी के ऊपर? इसको कैसे देखेंगे आप कि सीजीआई के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जो कि नॉर्मली एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में नहीं सुनाई पड़ती हैं? देखिए, ये इस देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों में ये प्रवृत्ति हो गई है कि न्यायपालिका पे खूब आक्षेप लगाए जाए, लेकिन मेरा स्वयं का अनुभव भी यह है कि इन सारी चीजों पर, इन चीजों का एक मजबूत जज के ऊपर, एक अनुभवी जज पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये टेंडेंसी खतरनाक है और इसको हमें कहीं कहीं चेक जरूर करना होगा। जहां तक आपने कहा कि सीजेआई के ऊपर बहुत आक्षेप लगाए गए, आरोप लगाए गए, ठीक है, आज हमारे पास जिस ढंग से सोशल मीडिया वर्क कर रहा है ये बहुत स्वाभाविक हो गया है कि सारा का सारा राइट विंग एक एजेंडा के साथ चल रहा है लंबे टाइम से। और केवल मैं राइट विंग ही नहीं, जो कुछ भी है एक वह इस पूरे एजेंडा के साथ चल रहा है और इसके अंदर कई बार वहां पे आक्षेप लगाए जाते हैं, लेकिन एक मजबूत न्यायपालिका और मजबूत जज इन चीजों से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एडवर्स इफेक्ट ना होता है ना होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये हमें सोचना होगा कि न्यायपालिका के इस पर इस तरह के आक्षेप लगाना और इस तरह के आक्षेप लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये अल्टीमेटली लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और ये हमें फासिज्म की ओर ले जाएगा, डेमोक्रेसी को बहुत डैमेज करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है।
आपको लगता है कि क्या ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जिस तरीके से सीजेआई के इंस्टीट्यूशन को ट्रोल किया जा रहा है? बहुत कुछ हो सकता है होने के अंदर, मेरे को इस प्रकार का संदेह प्रकट करने के अंदर कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, जिस ढंग से लंबे समय से किया जा रहा है कि सरकार के किसी भी चीज को लेकर के अगर कोर्ट्स बोलती है तो एक पूरी की पूरी टीम ट्रोलिंग के लिए, ट्रोल करने के लिए चालू हो जाती है। तो इसलिए अगर ये एक एजेंडा का पार्ट है, एक उसी के तहत चलता है, हो सकता है इसे आप कॉन्स्पिरेसी कहें, चाहे कोई थोड़ा नरम शब्द काम में लें, लेकिन हाँ ये एक इस प्रकार की रणनीति हो सकती है कि न्यायपालिका से भी लोगों का भरोसा तोड़ा जाए। एक सवाल जो पूछने के लिए मेरा मन बहुत उत्सुक है जस्टिस माथुर, और वो ये है कि हमेशा कोर्ट्स के बारे में ये कहा जाता है कि कोर्ट्स की कोशिश ऐसी रहती है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का जो एक बैलेंस है वो बैलेंस ना बिगड़े। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच की जो तालमेल है वो कुछ बिल्कुल इस तरह से साथ में काम करने लगे कि चीजें बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जाए, और मैं ये मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि वहां पर ऐसा लगता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलकर जो भी सिस्टम वहां पर खड़ा हुआ है वो पूरा फेल्ड है। अब ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, और एक अंग्रेजी में कहावत है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस डिमांड एक्सट्रीम मेजर्स। तो ऐसे में कोर्ट्स को लोकतंत्र के विश्वास की बहाली करना, वहां के लोगों को विश्वास दिलाना, आपको लगता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय, एक ऐसे समय में जब वो विश्वास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से खत्म हो गया? हमारी न्यायपालिका बहुत मैच्योर है, मेरा पूरा भरोसा हमारी सुप्रीम कोर्ट पर है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर है। हमारा, मेरे को इस बात पे पूरा भरोसा है कि जो भी ठोस आदेश करने होंगे, जो भी ठोस निर्देश देने होंगे, सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हमारे जजेस इतने अनुभवी हैं कि वो इस परिस्थिति के अंदर देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में संविधान को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के लिए जो भी आवश्यक निर्देश देने होंगे अवश्य देंगे। हमारी न्यायपालिका इस देश की इतनी कमजोर नहीं है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है और वो उस कस्टोडियन का पूरा रोल निभाने के लिए तत्पर भी है, सक्षम भी है, और आवश्यक भी है कि वह अपने इस रोल को इस विकट घड़ी के अंदर पूरी तरह से निभाए। लेकिन इस समय कोर्ट्स के ऊपर चैलेंज क्या है सबसे बड़ा जस्टिस माथुर, क्योंकि कोर्ट से भी लोग बहुत उम्मीद करते हैं, और कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट्स की भी आंखें तभी खुली जब एक इतना भयानक वीडियो सामने आया, पहले भी ये संज्ञान वो ले सकते थे, और आपने शुरू में ही कहा कि कोई ना कोई चूक जरूर हुई है कोर्ट से, तो क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या कोर्ट्स को अब और ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स, क्या कहेंगे? देखिए, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना, उनको पूरी तरह से एनफोर्स करना, ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है। जुडिशरी पे एक बहुत बड़ा दायित्व है इस समय, जो मेरा मानना है कि हमेशा से रहा है, और अगर आप देखेंगे कि तो हर इंस्टीट्यूशन के अंदर कई बार ठोस कदम उठाए भी जाते हैं और कई बार चूक रहती भी है। एमरजेंसी के अंदर एडीएम जबलपुर वाला जजमेंट आया भी, लेकिन उसके बाद कई ऐसे मौके आए जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजबूती के साथ लोकतंत्र की रक्षा की। इसलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। जैसा मैंने कहा कि मेरा पूरा भरोसा है न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जजेस में, हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते तक जज एक इतना अनुभवी जज होता है कि उनसे हमें पूरी परिपक्व आदेशों की अपेक्षा होती है। आज हालात जो भी हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत ही परिपक्व और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ठोस आदेश सुप्रीम कोर्ट 28 को और उसके आगे भी इस मामले को लेकर और अन्यथा भी करता रहेगा। जस्टिस माथुर, हर चीफ जस्टिस का एक दौर होता है, हमने जस्टिस बोबडे का एक दौर देखा,
रंजन गोगोई का देखा, उसके पहले भी बहुत सारे चीफ जस्टिसेस थे, लेकिन जब से चंद्रचूड़ साहब ने कमान संभाली तो लोगों में एक नई उम्मीद जग गई, क्योंकि लोग 2-3 साल पहले के दौर का अगर आप ध्यान दें तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि बिल्कुल जुडिशरी सो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ पर संज्ञान नहीं ले रही है। लेकिन जब से चंद्रचूड़ जी आए हैं तो लोगों के मन में एक उम्मीद जगी है कि कोर्ट्स उनके लिए साथ में खड़े हैं। लेकिन मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ पूरी तरह से उनके ऊपर भी लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी ढीले पड़ गए। विदाउट मीनिंग एनी ऑफेंस टू मिस्टर चंद्रचूड़, ही इज एन ऑनरेबल जज, आई मीन नो ऑफेंस टू हिम, बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो बैलेंसिंग एक्ट होती है कोर्ट्स की, कि भाई बहुत ज़्यादा हेड ऑन सरकार को ना लें और बिना हेड ऑन लिए अगर बचते बचाते चीज़ों का बैलेंस बन जाए तो ठीक हो, मणिपुर के केस में क्या कहेंगे जस्टिस चंद्रचूड़ के कॉन्डक्ट के बारे में? देखिए, मैं कभी भी व्यक्ति के संबंध में बात नहीं करता हूँ, चाहे जस्टिस गोगोई रहे हो, चाहे जस्टिस बोबड़े रहे हो, चाहे जस्टिस चंद्रचूड़ रहे हो, ये अल्टीमेटली जुडिशरी है, वो न्यायपालिका के अभिन्न हिस्सा है और न्यायपालिका के अंदर चीफ जस्टिस का एक इम्पोर्टेंट बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और जैसा मैंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत अनुभवी जज है, मेरा कोई बहुत ज्यादा निजी रूप से उनसे संपर्क नहीं रहा है, लेकिन वो मेरे प्रेडिसेसर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, मैंने उनके बहुत आदेशों को और उनके काम करने के तरीके को वहाँ की फाइल्स के जरिए ज्यादा समझा है। मुझे मालूम है कि वो बहुत मैच्योर और बहुत ही संजीदा किस्म के जज हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि वो इस मामले में कहीं चूक गए या कुछ हो गए। ठीक है, कहीं कहीं अपना एक आकलन हर जज का होता है, और जब सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो वो एक इंडिविजुअल नहीं होता है, वो पूरी न्यायपालिका है, और बेंच भी हाई कोर्ट्स में तो फिर भी सिंगल बेंच हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा कभी होता नहीं है। और वो खंडपीठ, उसके अंदर किसी भी जज का नाम लेना या उसके बारे में बात करना शायद हमारी न्यायिक परंपराओं और न्यायिक अवधारणाओं के अनुकूल नहीं होगा। बहुत सारे सीनियर जो बहुत वरिष्ठ जो वकील हैं उनका ये मानना है कि मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट चूक गया। मैं यहाँ एक जज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपसे यही पूछूंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पर चूका है या देर कर दी? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि शायद 18 मई एक उचित समय था जब कुछ आदेश कर दिए जाने चाहिए थे, लेकिन न्यायपालिका अगर अब भी चाहेगी तो वो सारी चीजों को, अपनी डिले को, इन सब चीजों को समेट सकती है, और ये चूक नहीं, ये आकलन करने के अंदर कहीं किसी तरह की कई चीजें होती है, और जब सॉलिसिटर जनरल आपके सामने एक वक्तव्य दे रहा है तो उसका अपना एक महत्व होता है, उसका एक वजन होता है, उस पर भरोसा किया है, और भरोसा करके, ये ऐसा पहला अवसर नहीं है, हमने बाबरी मस्जिद गिरी थी उस वक्त भी मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट पे भरोसा किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने भरोसा किया था, लेकिन होता है कई बार कई परिस्थितियां होती है, लेकिन मेरे को इस बात का पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सारी स्थितियों को टैकल करने के अंदर सक्षम है। एक सवाल बस आखिरी आपसे करूंगी कि मणिपुर के केस में आपको क्या लगता है कि द बक स्टॉप्स वेयर, अकाउंटेबिलिटी किसकी है और किसको हॉल अप करना चाहिए इसमें सबसे पहले, और कोर्ट को पहली अकाउंटेबिलिटी वहां की? जी, पहली अकाउंटेबिलिटी वहां के स्टेट गवर्नमेंट की है, चीफ मिनिस्टर की है, स्पेशली जब उस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन इस बात के हैं कि वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स दे रहे हैं और एक हिस्से के पक्ष के अंदर काम कर रही है। और मैंने एक वीडियो कल रात्रि में भी एक सेकंड वीडियो देखा जिसके अंदर जिस ढंग से पुलिस एक्ट कर रही है उसमें लगता है कि पूरा का पूरा सपोर्ट एक समूह को सरकार दे रही। भारत के गृह मंत्री भी अगर वहां 4 दिन रह करके आ जाए और उसके बावजूद भी राज्य सरकार कुछ ना करे तो जवाबदेही सबसे ज्यादा राज्य सरकार की है, उसके बाद में बहुत बड़ी जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि आपके गृह मंत्री 4 दिन वहां रह करके आ गए, आपने एक कमेटी वहां कॉन्स्टिट्यूट कर दी, आप इन सब के बावजूद आज 80 दिन हो गए हैं कुछ भी करने में सक्षम क्यों नहीं है, यह ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि वहां पर एक सिविल वार जैसी स्थिति आ गई। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पोर्शन, क्योंकि लोग अगर आपने पढ़ा होगा कह रहे हैं कि आज मणिपुर की स्थिति वही है जो कि लेबनान और सीरिया और नाइजीरिया की है, बिल्कुल,
ये शर्मनाक स्थिति है और सेंट्रल गवर्नमेंट के को इस बात के लिए जवाब देना होगा। चलिए अब देखना होगा कि कोर्ट क्या सवाल करता है, क्या निर्देश देता है, क्या सोलिसिटर जनरल से सवाल पूछे जाएंगे जिन्होंने ये विश्वास दिलाया कि चीजें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही हैं। 28 जुलाई को ये हियरिंग है, तो देखना होगा और हम सब फॉलो भी करेंगे उस दिन क्या होता है। थैंक यू सो मच जस्टिस माथुर, आपके आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।